नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं कुछ मशीन की प्रॉब्लम को हल करने का एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। मशीन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये चलते चलते ये टेप निकालने लगती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरी मशीन है वो भी टेप निकाल रही है। मुझे भी इस समस्या से जूझना पड़ा और मैं चाहती हूँ कि किसी के ये समस्या हो तो वो अपने घर पे इसका इलाज कर पाए, इसको सही कर पाए। तो इसके लिए क्या करना होगा और ये क्यों निकालती है, दोनों बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और इससे पहले कि हम अपनी वीडियो अपनी बात स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको फैशन डिजाइनर से ब्लाउज के सभी स्टेप्स बताए जाएंगे और स्पेशली तौर पर बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनें ड्रेसेज भी आपको यहाँ पे बताई जाएगी। और वक्त वक्त पे आपको मशीन की ट्यूटोरियल भी दिखाई जाएगी कि क्यों हमारी मशीन खराब हो जाती है, क्यों सिलाई खराब आती है, सिलाई सही क्यों नहीं आती है, या फिर जो मशीन धागा छोड़ती है, टेबे निकालती है और उसकी जो सिलाई ऊपर या नीचे से खराब आती है तो क्या कारण है, वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ में आपके कॉमेंट्स के रिप्लाई भी हम संतुष्टिजनक देने की कोशिश करेंगे और उनका जो हल है वो भी हम आपको बताएंगे। अब देखिए, ये मशीन है, यहाँ पे मैं आपको चलाकर दिखा रही हूँ कि ये टेप निकाल रही है। तो जैसे हम इसको चलाते हैं तो ये कई बार चलते चलते इस तरह से ये टेप निकालती है। ये देखिए, जैसे मैंने इसको चलाया तो ये इतनी बड़ी यहाँ पे टेप निकाल देती है। तो क्यों निकालती है, क्या कारण होता है? तो ये जो टेप की समस्या होती है, इस तरह से मोटी टेप जो निकालती है, इसके मूलभूत दो कारण होते हैं। एक तो आपकी सुई थोड़ी सी ऊपर खिसक जाती है तो ये टेप देने लगती है। तो इसको क्या करें, हम थोड़ा सा नीचे कर लें, हमारी समस्या हल हो जाएगी। अगर इससे भी नहीं होती है तो ये क्या करते हैं, देखो आपको दिखाती हूँ मैं, ये होती है गज, ये गज होती है। और ये गज भी क्या है, इसको हम अच्छे से देखते हैं। अब आप देखिए, यहाँ तक ये इतनी ऊपर, मतलब टोटली नीचे करके भी ये इससे इतने ऊपर रह रही है। अब देखिए, मैंने इसको पूरा आपको राउंड दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल इसके पास तक नहीं आ रही है। तो ये मतलब इसको इतना घुमा दिया फिर भी ये ऊपर रह रही है, मतलब इसके बराबर में आपको लेकर आना है। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए ये जो यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे जहाँ मैंने पेचकस लगाया है, यहाँ पे एक होल होता है और उस होल के अंदर एक पेच होता है। इसको मैं यहाँ से खोल रही हूँ, देखो मैंने इसको खोल दिया है। होल को खोलते ही ये जो गज होती है ना, ये यहाँ पे ये देखिए नीचे आ जाती है, ऊपर चली जाती है, ठीक है ना। इस तरह से मुझे इसको बिल्कुल ऐसे बराबर में ले लेना है। ये बराबर में हो गई है, फिर मैं इसको वापस टाइट कर देती हूँ, जो कि यहाँ पे पेच के अंदर जो ये पेच का डला हुआ है, इसको थोड़ा सा लूज करके इसको नीचे कर लिया। नीचे करने के बाद मैंने इसको टाइट कर दिया तो ये हमारा बिल्कुल टाइट हो गया। अब मैं इसको चला करके देख लेती हूँ पुनः कि जो मेरी मशीन है, क्योंकि मेरा आपका समय वेस्ट करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो घर पे और इसको ट्राई कर सकते हो। मेरा विश्वास है कि आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि मुझे कल से ये समस्या थी और मेरी जो मशीन है वो ठीक नहीं हो रही थी। अभी भी देखिए इसकी जो है वो, तो अब हम इसको चला करके देख लेते हैं कि इसकी जो सिलाई है वो ओके आ रही है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे इसको ट्राई किया है और इसकी जो सिलाई है वो सही आ रही है। तो आप दो चीज़ें जरूर ट्राई कीजिएगा, यदि आपकी मशीन इस तरह से टेबे निकालती हो तो। ये देखिए, अभी भी इसमें थोड़ी सी टेब आ रही है बीच बीच में, तो इसको हम थोड़ी सी जो ये देखिए ये फिर टेब आई है। तो इसकी जो नीडल्स है इसको हम थोड़ा सा नीचे और कर लेते हैं, क्योंकि जो इस ये जो हमारी थी गज, इसको तो मैंने नीचे करके इसको सही कर लिया है, काफी हद तक ये जो सिलाई है सही आ गई है, परंतु फिर भी अभी इसमें एक टेप आ जाती है। तो इसको क्या करना है, अब इसको हटाएंगे यहां से और इसको खोलेंगे, थोड़ा सा इसको हल्का सा सुई को नीचा कर लेते हैं, जैसे कि ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल हल्का सा नीचे कर लिया है, मशीन की सुई को नीचे करने के बाद इसको पूरा टाइट कर देते हैं।
फिर धागा पोएंगे, फिर स्टिच करके देखेंगे। हम अपनी मशीन को चेक करते हैं कि सुई को थोड़ा सा नीचा करने के बाद, या फिर गज ऊपर हो तो गज को थोड़ा सा नीचा करने के बाद जो सिलाई आती है, क्या उसमें कोई टेप आती है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल टेप नहीं है, और यहाँ पे आपको बिल्कुल टेपें दिखाई देगी। तो ये सिलाई के अंदर ये टेपें आ जाती हैं। कब आती है? जब हमारी ये सुई थोड़ी ऊपर होती है, या फिर ये जो गज है ये थोड़ी सी ऊपर होती है, तब टेप दे देती है मशीन। तो हमें क्या करना है, जब भी ऐसी स्थिति या प्रॉब्लम हो, तो ये देखिए ये गज यहाँ पे आपकी बिल्कुल इस तरह से इसके बिल्कुल बराबर तक आ जानी चाहिए। तो इसको आप थोड़ा सा ऊपर हो तो नीचे कर लें। और ये गज हमारी ख़राब क्यों हो जाती है? जब हम वर्क के ब्लाउज सिलाई करते हैं तो उनमें क्या है, कई बार वर्क की वजह से और या कोई नग की वजह से जो ठोस चीज़ होती है उनकी लग जाने की वजह से ये गज जो है वो ऊपर हो जाती है, थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है, और या सुई टूट जाती है, तो उसकी वजह से ये गज थोड़ी ऊपर हो जाती है। इसको आप हल्का सा नीचे कर लें, इसके बाद में हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल यहाँ पे सही आएगी। ये देखिए ये ख़राब है, तो यहाँ पे हमें सही सिलाई मिल रही है। मैंने क्या किया है, मैंने अपनी गज को थोड़ा सा नीचे किया है, और साथ ही साथ में सुई को भी हल्का सा नीचे किया है। इतना नीचे नहीं करना है कि हमारी सुई टूट जाए या नीचे टक्कर जाए। नीचे अगर आप सेटल में सुई टक्कर जाएगी तो यहाँ से इसकी नोक खराब हो जाएगी। तो इसको आपको धीरे से चला करके देखना है कि सुई कहीं नीचे टच तो नहीं हो रही है, नीचे से नहीं टकराएगी, तो ये सुई भी खराब भी नहीं होगी और हमारी जो सिलाई है वो भी ओके आएगी। तो आप इस तरह से घर पे ठीक कर सकते हो। मैंने इसको घर पे अभी सही कर लिया है, मुझे करते हुए कम से कम 10 मिनट लगे हैं। तो 10 मिनट में मैंने इसको सही से रिपेयरिंग किया है और इसको ऑयल पानी दे करके ओके कर लिया है। अब ये सिलाई बिल्कुल सही देगी और अच्छे से चलेगी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस तरह से मेरी ये वीडियो देख करके आप अपनी मशीन की सुई को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, और गज को भी थोड़ा सा अगर ऊपर हो गई है तो उसको नीचे करके इसको चेक कर सकते हैं, हो सकता है आपकी जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मोर वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, और आपकी कोई प्रॉब्लम हो हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हम आपको सोल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।